चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। नबील, चांदी की स्कूल की फीस फिर बढ़ गई है, हर महीने खर्चा बढ़ता जा रहा है। ओ जानू, मेरा भी खर्चा बढ़ता ही जा रहा है, यकीन करो डबल हो गया है। और तुम्हारे पापा को फिक्र ही नहीं है यार, उनसे बोलो मेरी भी पॉकेट मनी डबल करें। हद होती है नबील वैसे ढिटाई की, इसका मतलब है कि तुमने सोच लिया कि तुमने जिंदगी भर कुछ नहीं करना। अरे और क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए? तुमने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है नबील? जानू, मैंने तुम्हारे लिए बुलबुले बनाए हैं। अच्छा, मेरे लिए बनाए हैं? और नहीं तो क्या, वरना बुलबुले से पहले तुम्हें पूछता ही कौन था? और तुम्हें कौन पूछता था नबील? शराब। ओके जानू, अब मुझे बताओ चांदी की स्कूल की फीस का क्या होगा नबील? जानू, मैं तो कहता हूँ चांदी को इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। क्या? हाँ जानू, जिन बच्चों ने पढ़ना होता है वो पीले स्कूलों में ही पढ़ लेते हैं, टाटों वाले। मुझे देख लो, राणा रिजवान को देख लो, अली इमरान को देख लो, हम सब गली मोहल्ले के स्कूलों में पढ़े हैं। और हाँ, अली इमरान तो फरा मॉडल स्कूल में पढ़ा है, कभी नाम सुना है तुमने उसका? नहीं। फिर देख लो हम तीनों आज कहाँ खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? वही खड़े हैं जहाँ थे पहले। नबील, मुझे अपनी बेटी को तुम जैसा जाहिल नहीं बनाना। अरे तुमने अंग्रेजी स्कूल में पढ़ के क्या कर लिया? अपने मियाँ को तो अंग्रेजी सिखा नहीं सकी, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का? मैंने पढ़ाई इसलिए नहीं की थी कि तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊं। तो फिर ठीक है, अपनी बेटी को तो पढ़ा सकती हो ना। कल से चांदी को स्कूल भेजना बंद करो और उसको घर पढ़ाओ। क्या? हाँ, बल्कि सोने को भी पढ़ाओ, बेशक 1000-2000 फीस ले लो उससे। गेट आउट नबील, प्लीज गो अवे। ओके जानू, अगर तुम्हें तखलिया चाहिए तो ठीक है जानू। बहुत परेशान हूँ, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि मैं नबील को किस तरह समझाऊं। उसको जरा एहसास नहीं है कि वो एक बेटी का बाप बन गया है, उसे अपनी बेटी के बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। बड़ा कमीना है, अपनी बच्ची का ख्याल ही नहीं है उसको। हाँ माँ जी। वैसे पुत्र, ये नबील है कौन? माँ जी, नबील आपका बेटा है। इसकी हरकतें ना तो बिल्कुल मसूद जैसी हैं। कौन मसूद? मेरा मियाँ। माँ जी, आपके मियाँ महमूद साहब है ना। तुझे मेरी फैमिली के बारे में इतनी मालूमात कैसे हैं? क्योंकि मैं आपकी बहू हूँ। अच्छा चल, फिर मैं तुझे एक वो देती हूँ। क्या? वही जो दिमाग में अचानक आ जाता है। फतूल। नहीं नहीं, वो देती हूँ तुझे। माँ जी, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आपका क्या मतलब है। हाँ हाँ, आइडिया मैं तुझे आइडिया देती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ना मैं तुझे धिक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। माँ जी, चुप है, मेरे मुंह पे बैठ के मेरे बच्चे की बुराई करती है, बेशरम। तुझे तो मैं देख लूंगी। अच्छा पहले जाके दरवाजे पे तो देख ले कौन है। अपा जान, अम्मी जान, मेहरबान, कदरदान, नादान, आमिर खान, सलमान खान, अली इमरान, राणा रिजवान, नबील, महमूद असलम, खूबसूरत और मुमताज। तुझे बीमारी है कोई? बीमारी नहीं अपा जान, मैं कदरदानों का कदरदान हूँ, मेजबानों का मेहमान हूँ, घर वालों की जान हूँ, मैं इरफान हूँ। यहाँ क्या लेने आया है भाई? मैं लेने नहीं, देने आया हूँ अपा जान। ना क्या देने आया है? इस नाचीज़ो अजीज़ो बदतमीज़ के पास कुछ नादिर और नायाब कमयाब दस्तयाब चीजें हैं। अपा जान, बुलबुले की शान ये देखिए, पानदान। ये पानदान बड़े खानदान वालों के लिए है, क्योंकि ये पानदान सल्तनत हिंदुस्तान के खानदान की जान है। तू तो बड़े अच्छे काफिये मिलाता है जवेद अख्तर। तो फिर ये लीजिए और 1000 रुपया दीजिए। ओए, हमारे घर में कोई पान नहीं खाता। इसमें पान तो है भी नहीं। हाँ तो फिर भी नहीं चाहिए। तो फिर एक और चीज मुलाहिजा फरमाइए, देख कर चौंक जाइए। ये देखिए लालटेन, पानी में डालें तो गीली हो जाती है, धूप में रखें तो पीली हो जाती है। ये जलती है? ये नहीं जलती, लोग इससे जलते हैं। और जब ये जलती नहीं है तो इसे क्या मैं चूल्हे में डालूंगी? हाँ, चूल्हे में डालेंगी तो जरूर जलेगी, लेकिन मेरे पास जलने वाली एक और चीज भी है। ये देखिए। ये क्या है? अब रात को जंगल में जाना हो या अंधेरे में खाना बनाना हो या लोड शेडिंग में नहाना हो तो ये चिराग आपके काम आएगा। इसमें से पानी निकलता है? नहीं अबा जान, ये वो चिराग है जिस पर आज का पूरा एपिसोड बनेगा। इस चिराग को हल्का मत लीजिए, ये वही चिराग है जिसे अलादीन घिसा करता था और जिन निकल आया करता था। अबा जान, आपको अपने बच्चों की कसम ये चीज ले लीजिए, सुबह से बिक्री नहीं हुई है। घर में मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए, सिर्फ 500 में खरीद लें तो बच्चे आपको दुआएं देंगे।
आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे। कौन था माजी? उधर कोई अलादीन था तो ये मुझे मोमबत्ती दे गया। माजी ये मोमबत्ती नहीं है, चिराग है। कितने का लिया आपने? सिर्फ 500 रुपए का। माँ जी मैं इतनी देर से आपके सामने खर्चे का ही रोना रो रही थी और आपने 500 रुपए में ये फजूल सा चिराग ले लिया, पता नहीं ये जलेगा भी नहीं। चुप है, बेशरम बेहया। एक गरीब आदमी को मैंने 500 रुपए दे दिए तो तेरी जान निकल गई है, और कौन से तेरी जेब से दिए मैंने? मेरी जेब से नहीं दिए लेकिन मेरे पापा की जेब से तो दिए ना आपने। हाँ तो इसमें इतना वो करने वाली क्या बात है, ले पकड़ अपने पापा के पैसों का चिराग। माँ जी इस घर में क्या कम कबाड़ा है जो आप ये भी ले आई हैं? फेंके से। हाय पुत्र ये चिराग कब जलता है, धुआं निकल रहा है। हाय माँ जी कहीं सोफे को आग ही ना लग जाए। निवीद निवीद क्या हुआ? बाहर वो निकल आया है। हाँ मैंने लोटा खरीदा था ना, लोटे में से वो निकल आया है। पानी? नहीं नहीं पानी नहीं, वो जो काला सा मोटा सा होता है ना वो निकल आया है। चूहा? नहीं नहीं वो जो बहुत मोटा होता है। बहुत बड़ा चूहा? भाई आप खुद चल के देख लेना। अरे हाथ होती है मोमो, तुम तो चूहे से ऐसे डर रही हो, चूहा ना हुआ जिन हो गया। लोटे में से जिन निकल आया है। अरे जिन लोटे में क्या कर रहा था? पता नहीं पर निकल आया है। ऐसी बातें कर रही हो खूबसूरत, हमारे घर में जिन कैसे आ सकता है? नबील मैंने माँ जी ने अपनी आंखों से देखा है। जानू तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, हो सकता है तुम्हारे पापा आए हो। अरे नबील वो जिन मेरे पापा से भी बड़ा है। तुम्हारे पापा से भी बड़ा जिन? हाँ। जानू फिर तो तुमने कोई ख्वाब ही देखा होगा। यकीन नहीं आता ना नबील, तो खुद बाहर जाके देख लो। अरे यार आओ मेरे साथ, बताओ कहाँ है जिन। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। ओ जानू आओ, मैं दोनों बात में हूँ ना। नहीं। आओ जानू क्यों डर रही हो, ये तो अपने मामू साहब है यार। अरे मोमो डरो नहीं, अपना बच्चा है नबील। नबील वहाँ लाउंज में है। मामू साहब इनको ना वहम हो गया। अरे तो और इनका वहम दूर कर देते हैं। आओ आ जाए आ जाए। अबे कहाँ है, है निकल बाहर। तो जिनका बच्चा है ना उन्हीं के पास चला जा। नबील मुझे लगता है ये जिन हमसे डर गया है। हाँ मैं मुसाब आपसे तो अच्छी खासी चुड़ैले डर जाती हैं, वो तो फिर जिन है। और तो मर्द का बच्चा है ना तो सामने आ, बुजदिलों की तरह क्या छुपा हुआ है तो? देखा मोमो, अरे कोई नहीं है, तुम ऐसी खाम खा डर रही थी। और जानो तुम भी ऐसे ही घबरा रही थी, कहाँ है वो? मसहूद अब बाबील उठो। नबील उठो यार उठो। उठो शाबाश। ज्यादा नहीं सो गए? हाँ। आप कौन? मैं जिन हूं मेरे आका, मुझसे डरे मत। आप लोगों ने मुझे 500 साल बाद इस चिराग से निकाला। इस चिराग से? ओ पुत्र जो मैंने खरीदा था ना वो। माँ जी लेकिन जिन भाई आप इस छोटे से चिराग में आए कैसे? मैं बहुत छोटा था तब इस चिराग के अंदर गया था। तो मेरे भाई तू बाहर क्यों आ गया? मुझे काम बताओ, मैं किसको खाऊं, मैं क्या करूं? नबील ये तो सकूटा जिन है। दे मी नॉट, मैं सकूटा नहीं, सकूटा का बाप काहूटा जिन हूं। मुझे काम बताओ, मैं किसको खाऊं, मैं क्या करूं? आप एक काम करें, आप इसको खा लें जिन भाई। खबरदार मुझे ना खाना, मैं तो खून थकवा देती हूँ। मुझे भी मत खाइएगा, मेरे खाने से ना पेट खराब हो जाता है और आपको तो पेट भी इतना बड़ा है। मेरे बारे में तो सोचिएगा भी नहीं, मुझे खाने से ना खारिश हो जाती है, खारिश खारिश। जे बी नॉट, तुम लोग मुझे सीरियस नहीं ले रहे, मुझे काम बताओ, अगर ज्यादा देर तक मैं काम ना करूं तो मुझे भूख लगने लगती है, मैं आदमी खा जाता हूं। हाँ ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। मुझे काम बताओ, तुम लोगों के पास सिर्फ 2 मिनट है वरना मैं तुम लोगों में से किसी को खा जाऊंगा। ओ भाई ओ भाई सोचने का मौका तो दे यार। नबील इसे क्या काम करवाएं यार? आप एक काम करें जिन भाई, जब तक हम सोचते हैं ना आप किचन में जाके खाना ही खा कर आ जाएं। जो हुकुम मेरी आखी।
मामू साहब जल्दी से कुछ सोचें यार। पुत्र मैं सोचूं? ओ माँ जी आप तो चुप करें ना यार। ज़ेमिनार, मुझे काम बताओ मैं किसको खाऊं? बड़ी जल्दी आ गया तू। आपने खाना नहीं खाया? खा लिया, मैं जिन हूँ जिनों की तरह खाता हूँ। जिन भाई आप थोड़ा और खा के आ जाएं। इस घर में जो कुछ था मैं सब कुछ खा गया, बच्चों का दूध तक पी गया। मुझे काम बताओ ज़ेमिनार। तू एक काम कर, बाहर जा और लॉन की घास काट ले। जो हुक्म मेरी आखी। नबील कोई और काम सोचो ना जल्दी से। क्या सोचो जानू? नबील उससे कोई फरमाइश करो, उसे कुछ मंगवाओ, वो गुलाम है हमारा। ज़ेमिनार यू आखा मेरे सारी घास काट दी है। नबील हम पहले चेक करेंगे। हाँ हाँ हम चेक करेंगे। चलो हम चेक करते हैं। तो यार महमूद साहब इसने तो वाकई सारी घास काट दी यार। पुत्र मैं तो कहती हूँ उसको घर में माली रख लेते हैं। ओ माँ जी इतनी घास उगती कहाँ है जो कटवाएंगे इससे। नबील इस जिन को ना नाई की दुकान खुलवा देते हैं, कमाई भी हो जाएगी। ज़ेमिनार मेरे आका मुझे कोई काम बताएं, मैं किसको खाऊं, मैं क्या करूं। ज़ेमिनार जिन भाई हम एक बहुत बड़ा सा ना घर बना के देते। सॉरी मेरी आखी मैं जिन हूँ कोई बिल्डर नहीं है? कुछ और काम बताओ। जिन भाई मुझे ना बहुत सारा सोना ला दो। मैं जिन हूँ कोई ज्वेलर नहीं हूँ, और सोना चाहिए तो यार भाई गोल्ड जाके लो। वो नहीं देते हमें। जिन पुतन तू मेरी आंखें ठीक कर दे। ज़ेमिनार सॉरी आखी मैं जिन हूँ डॉक्टर नहीं हूँ। जिन भाई एक काम करे ना, मुझे ना बहुत सारे पैसे चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। देखा देखा ऐसे मांगते हैं। लेकिन तूने तो पैसे मांगे थे। ये ले मेरे आका। थैंक यू जिन भाई, थैंक यू। पीछे हट जाए, ये सारी दौलत मेरी है। नबील एक आध गड्डी मुझे भी दे दो। हटे यार, क्या जरूरत है आपको सोना मांगने की, आपकी लालच ने आपको मरवाया। हटे। ओ जिन भाई वो ये तो ईद मुबारक वाले नोट है यार। अबे जब बाजार में मिलते हैं वही लेके आऊंगा ना। ओ जिन भाई मुझे ना वो बैंक वाले नोट चाहिए असली। वो बैंक वाले कैसे लाऊं, मैं जिन हूँ कोई डाकू नहीं हूँ। यार मामू साहब ये तो हमसे भी ज्यादा पा रहे हैं यार, काम ही कोई नहीं कर रहा। ज़ेमिनार मुझे कोई काम बताओ, मैं किसको खाऊं, मैं क्या करूं। ओ यार भाई, ओ भाई मेहरबानी कर और चिराग में ना वापस चला जा। अबे इतने से चिराग में वापस कर जाऊंगा, जाहिल के बच्चे, अकल नहीं है तुझे क्या। नबील मुझे लगता है जिनको गुस्सा आ गया है। हाँ पता है, मुझे लगता है कि अब ये किसी ना किसी को जरूर खाएगा। जिन भाई वो देखे चिड़िया भागो। चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल। तू हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहा है और तू गायब क्यों नहीं हो रहा? जिनी है ना तू? ज़ेमिनार जिनका दिल नहीं होता क्या है? और वैसे भी है मेरा जॉगिंग टाइम है। जा कोई आए जाए चलता जा। यार मैं मुसा कोई काम सोचे यार। तुम जॉब करोगे? वो क्या हो गया आपको यार, उस जिन को काम पे लगाना है यार। अरे हर काम तो वो मना कर देते, उसे क्या काम बोले यार। यार कोई तफरी वाला काम सोचे जिसको वो मना ना कर सके। नबील क्या हुआ? इसको ना दो चार गाने लगा देते हैं और कहते हैं कि उस पे डांस कर। वेरी गुड, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है महमूद साहब। अरे अगर ये आइडिया अच्छा है तो फिर हम उससे डर क्यों रहे हैं यार। हाँ आका मुझे कोई काम बताओ, मैं क्या करूं। जिन जानी तू ना हमें डांस करके दिखा। कौन से गाने पे? जाना बिलो दे कर। तो भाई बहुत लंबा गाना है वो। अरे कितना भी लंबा हो भाई हमें नहीं पता, तुम हमें डांस करके दिखाओ। और मैं जिन हूँ डांसर नहीं हूँ। ज़ेमिनार अबे तो क्या करें तेरे साथ। मेरे आका एक काम करें, आप लोग मुझे डांस करके दिखाएं। क्या? हाँ मुझे मसरूफ रखें वरना मुझे भूख लगनी शुरू हो गई है। क्या तू हमें खा जाएगा? हाँ चले ना महमूद साहब फिर डांस शुरू करें यार। वो जो हमने शुरू करना है वो डांस है। हाँ जी चले जरा खुली जगह में करते हैं। हाँ जी चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल।
बार चल दुनिया नहीं है मुझे काम बताओ मैं किसको खाऊं मैं क्या करूं तू ऐसा करना थोड़ा सा जहर खा ले हमारा पीछा छोड़ दे भाई बुरा मैं जिन हूँ जिन मुझ पे जहर असर नहीं करता अबे भाई तू जिन है या हम तेरे जिन है यार हमसे सारे काम करवा रहा है इससे तो बेहतर था मैं नौकरी कर लेता आका मुझे बातों में मत लगाओ मुझे काम बताओ काम यार हमें माफ कर दे हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं यार हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तुझसे क्या काम करवाए बेटा इनसे डरने की जरूरत नहीं है ये महमूद साहब के बड़े भाई हैं जिन अंकल जो हुकुम मेरी आकी काकी यार महमूद साहब जब तक ये जिन का बच्चा हमारे बच्चों के साथ खेल रहे ना यार कोई मुश्किल सा काम सोच लेते हैं मुश्किल सा काम हाँ ये ठीक है चल सोचे फिर जरा दिमाग पे जोर दे यार जिन अंकल हमें बिल्ली बन के दिखाओ हैं बिल्ली ये वाली बिल्ली नहीं ऐसी वाली बिल्ली ओ भाई अभी इसी से काम चलाओ जिन अंकल अब हमें बकरा बन के दिखाओ ये तो बहुत बुरे बकरे बन रहे हैं आप चुप जिन अंकल जल्दी से घोड़ा बन के दिखाओ चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं यार बबल बनाए जबीन मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा ओ यार महमूद साहब कुछ सोचे यार यार नबील मैंने जिन के बारे में कभी नहीं सोचा यार थोड़ा टाइम तो लगेगा ना यार टाइम नहीं है हमारे पास वो किसी वक्त भी अंदर आ सकता है पर पुत्र वो अंदर आया क्यों नहीं अभी तक नबील जरा जाके देखो कहीं वो मेरे बच्चे ना खा जाए वो जानू जिन बच्चे नहीं खाता बच्चे डायन खाती है चेक तो करो माँ जी खुदा का वास्ता मेरा चिराग किधर है ये ना माँ जी जिन तो चला गया वशे देखा जानू मुझसे डर गया शट अप नबील ओके जानू यार वो जिन अंकल कहाँ गए अब वो इस चिराग के अंदर चला गया है बेटा जिन अंकल वापस आओ मुझे और भी खेलना है मैं मर जाऊंगा मगर वापस नहीं आऊंगा मुझे माफ कर दे मेरे बाप तू तो मुझसे भी बड़ा जिन है ज़े बी नॉट ज़े बी नेवर आए मेरा लोया जिन है ओ माँ जी वतन से दूर लेकिन फिर भी अपनों के पास खुशियाँ और मोहब्बतें बांटे अपने प्यारों के साथ पिछले 10 सालों से आपकी मोहब्बतों में शरीक सहूलत बाजार अब ला रहा है एक नई सहूलत जी हाँ सालगिरह का केक हो या फिर शादी का मुकम्मल जहेज पुल से दूर बैठ कर रहे अपनों के पास आज ही बांटें अपनी खुशियाँ अपनों के साथ तो अभी विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट सहूलत बाजार.com या फिर डाउनलोड कीजिए सहूलत बाजार ऐप